प्यारे बच्चों नमस्कार, मैं श्रीमती रागिनी अवस्थी, सहायक कार्यक्रम समन्वयक समग्र शिक्षा रायपुर, आप लोग का इस क्लास में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। प्यारे बच्चों, आज हम विषय हिंदी कक्षा सातवीं पाठ 11 कोई नहीं पराया, ये एक कविता है, उसके कवि हैं गोपालदास नीरज जी। तो ये कविता हम आज इस क्लास में पढ़ने जा रहे हैं। बच्चों, इस कविता में कवि सर्वधर्म समभाव की भावना लोगों के मन में भरने के लिए ये कविता लिखी है। इस कविता में कवि ने ये बताया है कि हमें ऊंच नीच, अमीर गरीब, जाति पाति की भावना से ऊपर उठ करके मानवता की भावना जो है और सर्वधर्म संप्रदाय की भावना मन में रखनी चाहिए। इस बात को कवि ने इस पाठ के माध्यम से हमें बताया है। तो बच्चों, आइए हम आज ये पाठ शुरू करते हैं। ईश्वर को लोग अपनी समझ और संदर्भ से अल्लाह, गॉड, राम, रहीम कहते हैं। जिस तरह से फूल बाग की शोभा पहले है, डाल की शोभा बाद में है, वैसे ही मनुष्य जाति धर्म, प्रांत एवं राष्ट्र की शोभा बाद में है, पहले विश्व की शोभा है। इस तरह से कवि वसुधैव कुटुंबकम के सहज संदेश को इस कविता के माध्यम से संप्रेषित करते हैं। तो बच्चों, काव्य की पंक्तियां देखते हैं। कोई नहीं पराया, कोई नहीं पराया, मेरा घर सारा संसार है। मैं न बंधा हूँ देश काल की जंग लगी जंजीर में, मैं न खड़ा हूँ जात पात की ऊंची नीची भीड़ में। मेरा धर्म न कुछ स्याही शब्दों का सिर्फ गुलाम है। तो बच्चों, आइए पहले देख लेते हैं हम कठिन शब्दों का अर्थ। तो इसमें कठिन शब्द आया है जैसे पराया, पराया का मतलब होता है दूसरा। जंजीर, जंजीर यानी होता है सांकल। तो आइए हम इसका अर्थ समझते हैं कि कवि इन पंक्तियों के माध्यम से हमें क्या समझाना चाह रहे हैं, क्या सीख दे रहे हैं। कवि कह रहे हैं कि कोई नहीं पराया, मेरा घर सारा संसार है, कि इस दुनिया में कोई भी मनुष्य मेरे लिए पराया नहीं है, बल्कि ये जो पूरी पूरा जो संसार है, पूरी जो दुनिया है, वही मेरा क्या है, घर है। मैं न बंधा हूँ देश काल की जंग लगी जंजीर में। आगे कह रहे हैं कवि कि मैं देश काल की जंग लगी जंजीर में बंधा हुआ नहीं हूँ, अर्थात मैं देश काल की सीमा से परे हूँ। ना मैं देश के नाम से जाना जाता हूँ, ना प्रांत के नाम से। इस प्रकार से मैं कोई देश काल की जंग लगी जंजीर में बंधा हुआ नहीं हूँ। तो यहाँ कवि देश काल की जंग लगी जंजीर, जंग लगी जंजीर का मतलब ये है कि जिस प्रकार से लोहे में अगर जंग लग जाता है तो लोहा खराब हो जाता है, ठीक उसी प्रकार से मनुष्य के मन में भी अगर विभेद की स्थिति आ जाती है, जैसे वो उस देश का है, मैं इस प्रांत का हूँ, वो उस गांव का है, वो इस जाति का है, वो धर्म का है, तो मनुष्य फिर वहाँ पर खोखला हो जाता है, मजबूत नहीं रह पाता है, अलगाव की स्थिति आ जाती है। ठीक उसी प्रकार से कवि इसीलिए कवि कह रहे हैं कि मैं किसी देश काल में बंधा हुआ नहीं हूँ, जंग लगी जंजीर में बंधा हुआ नहीं हूँ। मैं न खड़ा हूँ जात पात की ऊंची नीची भीड़ में। कवि कह रहे हैं कि मैं जात पात की ऊंची नीची भीड़ में भी खड़ा हुआ नहीं हूं, मेरे लिए सब जाति के लोग, सब धर्म के लोग मेरे लिए एक समान ही हैं। ये पूरा घर संसार, ये पूरी दुनिया जो है वही मेरा क्या है, घर संसार है। मेरे लिए इस दुनिया में कोई भी पराया नहीं है। मेरा धर्म न कुछ स्याही शब्दों का सिर्फ गुलाम है, मानव धर्म ही मेरा सच्चा धर्म है। आइए देखते हैं आगे की पंक्तियां। मैं बस कहता हूं कि प्यार है तो घट घट में राम है, मुझसे तुम न कहो मंदिर मस्जिद पर सर मैं टेक दूं, मेरा तो आराध्य आदमी देवालय हरिद्वार है। कोई नहीं पराया, मेरा घर सारा संसार है। इसमें देखते हैं कठिन शब्द का अर्थ, शब्दार्थ देखते हैं। सर टेकना, इसमें सर टेकना शब्द आया है, सर मैं टेक दूं, सर टेकना है ना, तो सर टेकना का मतलब हुआ नतमस्तक होना। आगे शब्द है आराध्य, आराध्य कहते हैं पूज्य को, देवालय, देवालय का तात्पर्य होता है मंदिर। तो आइए हम इसका, इस कविता का अर्थ जानते हैं कि मैं बस कहता हूं कि प्यार है तो घट घट में राम है।
इन पंक्तियों के माध्यम से कवि कह रहे हैं कि हमें सबके साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार करना चाहिए, ईर्ष्या द्वेष की भावना नहीं रखनी चाहिए। तो कवि कह रहे हैं कि मैं बस कहता हूं कि प्यार है तो घट घट में राम है, कण कण में राम है, हर जगह राम है। यहाँ राम का तात्पर्य भगवान राम ही नहीं है बल्कि ईश्वर है, अल्लाह है, गॉड है, सब भगवान के लिए यहाँ पर कवि कह रहे हैं। मुझसे तुम न कहो मंदिर मस्जिद पर सर मैं टेक दूं। आगे कवि कह रहे हैं कि तुम मुझे मंदिर में या मस्जिद में सर टेकने के लिए, माथा झुकाने के लिए तुम मत कहो, क्योंकि मेरे लिए मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा गिरजाघर सब एक समान ही है। मेरा तो आराध्य आदमी देवालय हरिद्वार है। आगे कवि कह रहे हैं कि मेरा तो आराध्य आदमी कि मेरे लिए पूज्य तो आदमी ही है, मेरे लिए ईश्वर आदमी ही ईश्वर के समान है, देवालय हर द्वार है। और जो मंदिर है या जो पवित्र स्थान देवालय है वो हर घर का हर दरवाजा ही मेरे लिए पवित्र स्थान है। कोई नहीं पराया मेरा घर सारा संसार है, इस संसार में कोई भी मेरे लिए पराया नहीं है बल्कि पूरा संसार ही, पूरी दुनिया ही मेरे लिए घर के समान है। मेरा मन के सब सिवाय से भी मुझको भी धर्म प्यारा इंसान है, मुझको अपनी मानवता पर बहुत बहुत अभिमान है। अरे नहीं देवत्व मुझे तो भाता है मनुजत्व ही, और छोड़कर प्यार नहीं स्वीकार सकल अमरत्व भी। आइए देखते हैं हम शब्दार्थ। अभिमान, अभिमान का अर्थ होता है गर्व। मनुजत्व, मनुजत्व कहते हैं बच्चों मानवता को। सकल, सकल यानि समस्त, सभी। अमरत्व, अमरत्व कहते हैं अमरता को। तो आइए हम इन पंक्तियों का अर्थ देखते हैं। कहीं रहे कैसे भी मुझको, कवि कह रहे हैं कि कोई भी मनुष्य कहीं भी रहे, चाहे वो विदेश में रहे, कोई भी प्रदेश में रहे, कोई भी गांव में रहे, कोई भी घर में रहे, कैसे भी रहे, चाहे वो किसी भी परिस्थिति में रहे, मुझको प्यारा हर इंसान है। कवि कह रहे हैं कि मुझको हर इंसान से, हर मनुष्य से मुझे क्या है, प्यार है। मुझको अपनी मानवता पर बहुत बहुत अभिमान है। कवि कह रहे हैं कि मुझे अपनी मानवता पर, इस मनुष्य जन्म पर बहुत बहुत अभिमान है। अरे नहीं देवत्व मुझे भाता मनुजत्व ही, कवि कह रहे हैं कि मुझे देवत्व का गुण नहीं पसंद बल्कि मुझे मनुजत्व का गुण ही मुझे पसंद है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और छोड़कर प्यार नहीं सकल अमरत्व भी, और मुझे प्यार के सामने में मुझे अमरत्व भी पसंद नहीं है, अर्थात मुझे सबसे इस संसार में सबसे प्यार करना ही और सबसे मिलजुल करके समभाव से रहना ही मुझे बहुत पसंद है। मुझे सुनाओ तुम न स्वर्ग सुख की सुकुमार कहानियां, मेरी धरती सौ सौ स्वर्गों से ज्यादा सुकुमार है, कोई नहीं पराया मेरा घर सारा संसार है। इसमें देखिए एक कठिन शब्द आया है सुकुमार। सुकुमार कहते हैं हम कोमल को। तो आइए हम इसका अर्थ जानते हैं कि मुझे सुनाओ तुम न स्वर्ग सुख की सुकुमार कहानियां। आगे कवि कह रहे हैं कि स्वर्ग के आनंद की, स्वर्ग के आनंद सुख की सुकुमार कहानियां तुम मुझे मत सुनाओ। मेरी धरती सौ सौ स्वर्गों से ज्यादा सुकुमार है। कवि कह रहे हैं कि मेरी ये जो सुंदर हरी भरी धरती है वो सौ सौ स्वर्गों से भी ज्यादा सुंदर है और ज्यादा सुकुमार है, इसलिए तुम मुझे स्वर्ग के सुख की कहानियां मत सुनाओ क्योंकि मेरी धरती ही बहुत सुंदर है। कोई नहीं पराया मेरा घर सारा संसार है, इसलिए इस संसार में कोई भी पराया नहीं है, कोई भी दूसरा नहीं है, सब मेरे अपने हैं और ये जो पूरा संसार है वो ही मेरा घर परिवार है। मैं सिखलाता हूँ कि जियो और जीने दो संसार को, जितना ज्यादा बांट सको तुम बांटो अपने प्यार को। हंसो इस तरह हंसे तुम्हारे साथ दलित यह धूल भी, चलो इस तरह कुचल न जाए पग से कोई फूल भी। तो आइए देखते हैं इसका शब्दार्थ, जो कठिन शब्द आए ना उसका अर्थ देखते हैं। दलित, दलित कहते हैं कुचली हुई। धूल, धूल कहते हैं रज को, धूल। पग, पग मतलब होता है पैर। तो बच्चों आइए
इन पंक्तियों का हम देखते हैं अर्थ। मैं सिखलाता हूं कि जियो और जीने दो संसार को। कवि कह रहे हैं कि मैं सीख देता हूं, मैं सिखलाता हूं। क्या सिखलाता हूं? कि खुद भी जियो और जीने दो संसार को। खुद भी खुशी पूर्वक आनंद पूर्वक जियो। किसी से ईर्ष्या द्वेष की भावना मत रखो, ऊंच नीच की भावना मत रखो, और संसार को भी उसी प्रकार से जीने दो। संसार के लोगों के पग के कांटे तुम मत बनो, उनके राह में, प्रगति की राह में बाधक तुम मत बनो। जितना ज्यादा बांट को तुम बांटो अपने प्यार को। कवि कह रहे हैं कि इस संसार में तुम सबसे प्यार की भावना से, प्रेम की भावना से मिलो, और इस प्रेम को जितना ज्यादा तुम बांट सको उतना ज्यादा क्या करो, तुम बांटो। क्योंकि प्रेम ऐसा है, प्यार ऐसा है कि जितना ज्यादा तुम बांटोगे उतना ही बढ़ेगा और इस संसार में सुख की वृद्धि होगी। हंसो इस तरह, हंसे तुम्हारे साथ दलित यह धूल भी। कवि कह रहे हैं कि ऐ मनुष्य तुम ऐसे हंसो। कैसे हंसो? कि तुम्हारे साथ दलित यह धूल भी हंसने लगे। दलित का तात्पर्य यहां पर है कुचली गई, या ऐसे मनुष्य जो और मनुष्य की तुलना में कम प्रगति करते हैं, किसी कारण से उनकी प्रगति रुक जाती है। तो ऐसे मनुष्य के साथ भी तुम इस तरह से हंसो कि वो मनुष्य भी तुम्हारे साथ क्या होने लगे, हंसने लगे। चलो इस तरह कुचल न जाए पग से कोई फूल भी। और आगे कवि कह रहे हैं कि चलो इस तरह, इस तरह से तुम चलो संसार में, इस तरह से तुम व्यवहार करो, कोई भी फूल कुचल ना जाए। फूल का मतलब यहां पर यह है कि हमारे किए गए कार्य से किसी भी मनुष्य को, कोमल मनुष्य को या किसी भी मनुष्य को किसी प्रकार की चोट ना पहुंचे, ना ही किसी प्रकार की बाधा पहुंचे। तो हमको ऐसे व्यवहार करना है संसार में, प्रेम पूर्वक व्यवहार करना है कि हमारे व्यवहार से किसी को कोई परेशानी मत हो, बल्कि हमारे किए गए व्यवहार से सभी लोग प्रेम पा सकते। आगे देखते हैं, सुख न तुम्हारा सुख, केवल जग का भी इसमें भाग है। फूल डाल के पीछे पहले उपवन का श्रृंगार है, कोई नहीं पराया मेरा घर सारा संसार है। आइए देखते हैं शब्दार्थ। जग, जग का मतलब होता है संसार। उपवन, उपवन का तात्पर्य है बगीचा। श्रृंगार, श्रृंगार का मतलब होता है शोभा या सुंदरता। तो आइए देखते हैं इसका, इन पंक्तियों का अर्थ देखते हैं। सुख न तुम्हारा सुख, कवि कह रहे हैं कि इस संसार में जो तुम आए हो, तुमको बहुत सारे जो सुख मिल रहे हैं वो सिर्फ तुम्हारा सुख ही नहीं है, केवल जग का भी इसमें भाग है। इस संसार का, तुम्हारे सुख में इस संसार का भी हिस्सा है, इस संसार का भी भाग है। फूल डाल के पीछे पहले उपवन का श्रृंगार है। देखिए कवि यहां पर क्या कह रहे हैं कि फूल डाल के पीछे, फूल जो है वो डाली की सुंदरता तो बढ़ाती ही है, लेकिन सबसे पहले वो उपवन की सुंदरता बढ़ाती है, बाग बगीचे की सुंदरता पहले बढ़ाती है। ठीक उसी प्रकार से तुम्हारा जो सुख है वो तुम्हारा ही सुख नहीं है, बल्कि पूरे जग का, पूरे संसार का जो सुख है। कोई नहीं पराया मेरा घर सारा संसार है। इस संसार में कोई भी मनुष्य पराया नहीं है, कोई भी छोटा बड़ा अमीर गरीब नहीं है, बल्कि पूरे संसार के लोग ही मेरे प्रिय हैं, और पूरा संसार ही मेरा क्या है, घर है। तो बच्चों, आप लोग को गोपालदास नीरज जी की ये कविता बहुत अच्छी लगी होगी, और वसुधैव कुटुंबकम की भावना से ओतप्रोत ये कविता आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। जो कवि जो है इस कविता के माध्यम से जो सीख दे रहे हैं, उस सीख को अपने जीवन में अपनाएंगे और अपने जीवन में उतारेंगे। और आपको पाठ तो बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, तो आगे पाठ के लिए घर में रह करके आप लोग को करने के लिए मैं कुछ गृह कार्य के प्रश्न आप लोग को लिखवा रही हूँ। उस प्रश्न के उत्तर आप इस कविता के आधार पर आप लोग लिखेंगे। तो देखिए, पहला प्रश्न है, कवि देवत्व और अमरत्व के स्थान पर मनुजत्व को स्वीकारने की बात क्यों कहता है। फिर से देखते हैं इस प्रश्न को कि कवि देवत्व और अमरत्व के स्थान पर मनुजत्व को स्वीकारने की बात क्यों कहता है। ठीक, दूसरा प्रश्न है, कवि संसार को क्या सिखाना चाहता है। कवि संसार को क्या सिखाना चाहता है। तो बच्चों, इन दोनों प्रश्नों का उत्तर आप लोग अपनी कॉपी में लिखेंगे इस पाठ के आधार पर।
तो बच्चों, आपको ये कविता बहुत अच्छी लगी, उसको आप लोग अपने जीवन में उतारेंगे। अब इसी के साथ आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।